पहले बिगनिंग में ही एक प्रिंसिपल बताता हूं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी डायमेंशन के क्वेश्चन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रिंसिपल होता है तो वो होता है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है ये प्रिंसिपल डायमेंशनल प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी देखिए डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी का नेचर है तो आपको मालूम है नेचर का मतलब क्या है नेचर का मतलब ये है कि जब भी हम दो क्वांटिटीज को जोड़ते हैं या फिर हम जो दो क्वांटिटीज को सप्ट्रैक्ट करते हैं ऐड कर रहे हैं या सप्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम डिफरेंट नेचर की क्वांटिटीज को ऐड या सप्ट्रैक्ट नहीं करते मतलब ये है कि हम विलॉस को फोर्स के साथ नहीं ऐड कर सकते फॉर दैट मैटर हम मोमेंटम से इलेक्ट्रिक फील्ड को सप्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम टाइम से मास को ऐड नहीं कर सकते भाई ये तो रिलीवेंट है मतलब ये तो यूजलेस स्टेटमेंट है इसका कोई मतलब ही नहीं है मास को इसी तरीके से फोर्स से ऐड या सप्ट्रैक्ट नहीं कर सकते सिमिलर नेचर की क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट होती हैं इसका मतलब है कि सिमिलर डायमेंशन की चीजें ही ऐड या सप्ट्रैक्ट हो सकती हैं इसलिए प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी इस बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि जब हम क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल तभी होगा जब उन क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो इसका मतलब ये है कि जब भी हम ए प्लस बी दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो ए प्लस बी तभी मीनिंगफुल है ये स्टेटमेंट जब ए और बी की डायमेंशन सेम हो अफकोर्स डिफरेंट डायमेंशन की चीजें ऐड नहीं कर सकते फॉर डायर मैटर सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते बताया ना टाइम को मास के साथ ना ऐड कर सकते ना सब तो इसका मतलब है कि जब हम ए प्लस बी या ए माइनस बी कर रहे हैं तो ए और बी की डायमेंशन सेम होनी चाहिए दोनों केस में एडिशन में भी में भी अब अच्छा ये चीज ए इंटू बी और ए बाई बी करने में नहीं है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में ऐसा नहीं बोल सकते हम मास को टाइम से टाइम को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं बिल्कुल कर, कर सकते हैं जैसे मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम मिलता है डिस्टेंस को यानी कि लेंथ को टाइम से डिवाइड करके हमको स्पीड या वेलोसिटी मिलती है तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए डायमेंशन का सेम होना जरूरी नहीं है डायमेंशन का सेम होना जरूरी है एडिशन और सप्ट्रैक्शन के लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए नहीं है किसके लिए जरूरी है डायमेंशन का सेम होना एडिशन और सप्ट्रैक्शन अच्छा मान लो मैंने दो क्वांटिटीज को ऐड किया और दोनों की डायमेंशन है एल्टी माइनस वन की तो जो जुड़ के आएगा क्या वो कोई और डिफरेंट नेचर की चीज बन जाएगी भाई दो विलॉसिटीज एडिया सब तक करोगे तो रिजल्ट में भी तो विलॉस मिलेगा फॉर दैट मैटर दो मोमेंटम टाइप की क्वांटिटीज है मोमेंटम की डायमेंशन अगर लीनियर मोमेंटम है तो एम एल्टी माइनस वन होती है तो दो एमएलटी माइनस वन डायमेंशन की चीजें एडिया सब तक की तो रिजल्ट में भी तो एम एल्टी माइनस वन डायमेंशन की ही चीज मिलेगी तो इसका मतलब है कि अगर हम a प्लस बी या a माइनस बी करके एक क्वांटिटी ला रहे हैं जेड जेड एक क्वांटिटी है जहां पे जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी एडिशन भी हो सकता है सब भी हो सकता है मल्टीविशन डिवीजन नहीं है तो ये क्वेश्चन हो गए जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी तो अब भाई ए और बी तभी जुड़े थे जब दोनों की डायमेंशन सेम हो और जुड़ के जो क्वांटिटी जड आ रही होगी उसकी भी तो डायमेंशन ए और बी की डायमेंशन की से चाहिए भाई अलग कैसे हो सकती है भाई वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ A B या A B, तो जो A की है, इसको में दिखा है A, वही डायमेंशन बी की है जो भी डायमेंशन ए की है वही डायमेंशन बी की है और वही डायमेंशन जेड की है जो डायमेंशन ए की है वही डायमेंशन बी की है और वही डायमेंशन जेड की है इन तीनों क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम होनी चाहिए इसी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोलिट कर देते हैं ए माइनस बी होता तब भी यही होता मान लो मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है ये जेड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी अपॉनी जेड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी अपॉनी ये इक्वेशन लिखी हुई है अब देखो इस इक्वेशन में जेड एक टर्म आ रहा है टर्म ए बी सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट ए बी स्क्वायर अपॉन सी होल एक टर्म है D और E दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं बट D अपॉन ई एज ए होल एक टर्म है तो अगर आप ये इक्वेशन लिख रहे हो जेड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी अपॉन ई तो इसका देखो मतलब क्या है ए बी सी की डायमेंशन कुछ भी हो D और E की इंडिविजुअल डायमेंशन कुछ भी हो बट जब तुम ए बी स्क्वायर अपॉन कर रहे हो ए बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी अपॉन ई कर रहे हो अभी तक किसी को कोई डाउट पटेल हाय कैप्चर सर जिसकी अच्छा बढ़िया ओके तो अगर हमारे पास ए बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस डी अपॉन ई अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा करते वक्त पक्की बात है ए बी स्क्वायर अपॉन सी एज ए होल ये जो टर्म है डी अपॉन ई एज ए होल ये जो टर्म है पक्की बात है कि इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन और जेड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए जो डायमेंशन ए बी स्क्वायर अपॉन सी की होगी वही डायमेंशन डी अपॉन ई e की होगी और वही डायमेंशन जेड की होगी जो डायमेंशन ए बी स्क्वायर अपॉन सी एज ए होल टर्म की है जो डायमेंशन डी अपॉन ई एज ए होल टर्म की है वही डायमेंशन जेड की होनी चाहिए तो ये जो जितने भी फिजिकल इक्वेशन में टर्म्स आ रहे हैं उन सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम होना ज़रूरी है ये प्रिंसिपल ही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी का मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने टर्म्स आ रहे होते हैं वो डायमेंशन वाइज आइडेंटिकल होते हैं उन सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम होती है डायमेंशनल होमोजिनटी का मतलब होमोजीनियस होना एक जैसा होना किसी भी फिजिकल इक्वेशन में सारे टर्म्स की डायमेंशन एक जैसी होती है जो भी टर्म ऐड हो रहे होते हैं जो भी टर्म सब्ट हो रहे होते हैं और जो भी टर्म ऐड या सब्टैक्ट होकर जो फाइनल रिजल्टेंट क्वांटिटी देंगे वो तो देखिए मैंने ये भी लिखा कि एल एच एस और आर एच एस भाई इक्वेशन के दो एल एच एस और आर एच एस दो पहलू आप इधर राइट से साइड से देखो लेफ्ट साइड से देखो तो भाई जब दोनों साइड चीज़ें इक्वेटेड हैं यानी कि एक ही चीज़ है तो जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ऑब्वियसली उसकी डायमेंशन सेम ही होगी इसलिए किसी भी फिजिकल इक्वेशन में एल एच की भी डायमेंशन सेम होती है सारे टर्म्स जो एड या सब्टैक्ट हो रहे होते हैं टर्म एज ए होल मैं अलग अलग क्वान्टिटी ए वी सी या डी ई की बात नहीं कर रहा हूँ उन सारे टर्म्स की भी डायमेंशन सेम होती है इसको ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी तो प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनिटी का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजिनटी सेट ऑल द टर्म्स अपरिंग इन एनी फिजिकल इक्वेशन विल हैव सेम डायमेंशन जितने भी टर्म किसी फिजिकल इक्वेशन में अपियर हो रहे होंगे उन सबकी डायमेंशन हमेशा सेम होती है और टर्म का मतलब मैंने ये बताया एज ए होल ये जो प्लस माइनस साइंस से कनेक्टेड है या जो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस लिख रहे हैं इसी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी के एप्लीकेशन है बाकी सारी चीजें तो क्या है एप्लीकेशन तो मैंने बताया था कि पहला एप्लीकेशन है कि, कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन की इनकरेक्टनेस बता सकते हैं